शाहजहांपुर के सिंदौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में महात्मा मार्ग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग, दुरई लाल शर्मा मार्ग एवं बाबू सिंह मार्ग का लोकार्पण सांसद अरुण सागर ने किया। वही मौके पर एमएलसी डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, महापौर अर्चना वर्मा, वीआईपी ग्रुप के अध्यक्ष तराना जमाल, मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह, जिला विकास अधिकारी पवन कुमार, परियोजना निर्देशक अवदेश राम, खंड विकास अधिकारी अभिषेक अग्रवाल मौजूद रहे। सभी ने ग्राम की सुंदरता व सफाई व्यवस्था देखकर प्रधान की तारीफ की और ग्राम के सभी चबूतरों पर पौधारोपण कर कार्य किया गया। ग्राम की 51 निर्धन महिलाओं को पानी और धूप से बचने के लिए छाते का वितरण भी किया गया। क्या मानते हैं, अगर ये प्रयास हर जगह की जाए तो एक नई सकल सकल नजर आ सकती है पूरे जिले की? श्री कुमार गुप्ता जी, इनके अथक प्रयास से इस ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा इंटरलॉक इनसे लगा के सरसी रोड और तमाम सुविधाएं इस ग्राम पंचायत को इन्होंने देने काम किया है। उसी श्रृंखला में हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस ग्राम पंचायत को आर्थिक सहायता भी यहाँ पर देने का काम किया और लगातार इनका प्रयास रहता कि हमारे ग्राम पंचायत में जो आजकल नगर निगम या कोई बड़ी सिटी में जो सुविधाएं हैं वो इस ग्राम पंचायत में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं प्रधान जी की और इनके जितने भी यहाँ के सदस्यगण हैं मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रयास को यहाँ पर लागू किया। और मैं संपूर्ण जनपद के सभी ग्राम प्रधानों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भटपुरा रसूलपुर से वो भी प्रेरणा लें और अपनी ग्राम पंचायत में साफ सुथरा स्वच्छ रखें, जिससे तमाम बीमारियां जो हमारे शरीर को जकड़ती हैं पकड़ती हैं उनसे हम सभी को इस पहल से छुटकारा भी मिले। इस तरह के देख मॉडल तैयार करने के लिए और किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि आपकी इस भावना से जुड़े लोग? हमारी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रही आपकी ऊर्जा की बात, तो हमारे नेताओं से ही हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत से विकास का कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए ही हम अपने ग्राम पंचायत में विकास का कार्य कर रहे हैं। तो बाकी क्या अपील करेंगे कि लोग प्रयास करें तो ये हर जगह संभव है, हर देश में पूरे संभव हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आपकी। एक ग्राम पंचायत के लिए सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, अगर उनको पूरी तरीके से धरातल पर उतार दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही मिल जाएगा और सारे गांव चमाचम हो जाएंगे। आज का जो कार्य हुआ है, क्या कुछ कार्य किया गया आपकी ग्राम पंचायत में, किस तरीके से आज हमारी ग्राम पंचायत में 4 रास्ते, महात्मा मार्ग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग, बाबू सिंह मार्ग और भुरई लाल शर्मा मार्ग, 4 रास्तों का लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही बृहद वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ हमारी ग्राम पंचायत से हुआ है, जिसमें हमारे जनपद के सांसद और एमएलसी साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, मेयर महोदया आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जनपद के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी ग्राम पंचायत ने इस वर्ष 2100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको हम बहुत आसानी से पूर्ण करेंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छ एवं हरियाली युक्त ग्राम पंचायत है। यहाँ पर हमारे किसानों ने 4.25 लाख पेड़ पॉपुलर के लगा रखे हैं और हमारी ग्राम पंचायत ने भी बहुत पौधारोपण किया हुआ है, इसीलिए पूरा गांव हमारा आज की तारीख में हरा भरा है। क्या मानते हैं,